प्रेज लॉर्ड। पिछले वीडियो का आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको कैसे खड़ा किया है, ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्री के जीवन के जरिए सीखेंगे। आज की कहानी है अहाब की पत्नी इजिजेबेल, शैतान औरत। पहला राजा 21वां अध्याय 23वां वचन। और इजिजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजिजेबेल को खा डालेंगे। अभी हम बाइबल से देखेंगे। ओमी का पुत्र अहाब इजरायली था और उसने शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य किया। इजिजेबेल सीदोन की रहने वाली और राजा इदबाल की बेटी थी। उसके माता पिता बाल देवता के पुजारी थे और इजिजेबेल खुद भी बाल देवता की उपासक थी। अहाब ने राजा इदबाल की बेटी इजिजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल देवता का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। इजिजेबेल इजराइल के परमेश्वर यहोवा से घृणा करती थी और यहोवा के नबियों को घात करती थी। तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफा में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। बाद में सिर्फ एलिया भविष्यद्वक्ता ही जीवित बचा था। एलिया ने इज़राइल को और बाल देवता के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा होने को कहा। एलिया ने बाल के नबियों से कहा, एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना, और मैं बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा, और मैं यहां से प्रार्थना करूंगा और जो आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरे। बाल के नबियों ने भोर से लेकर दोपहर तक प्रार्थना करी, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, पर कोई उत्तर देने वाला न हुआ। फिर एलिया ने याकूब की गिनती के अनुसार 12 पत्थर छाट कर यहां के नाम की एक वेदी बनाई और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और यह परमेश्वर को पुकारने लगा। तब यहां की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह सब देख लोग मुहा के बल गिर कर बोल उठे, यहां ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छुटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। तब अहाब की पत्नी इजिजेबेल ने एलिया के पास एक दूत द्वारा कला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वर उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और परमेश्वर के होरेब पर्वत को पहुंचा। परमेश्वर ने एलिया के स्थान पर नबी होने के लिए शापत के पुत्र एलिशा का अभिषेक करने को कहा। बाद में एलिया को जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। ऐसी एक और घटना हम देखते हैं, नाबोत नामक एक इजरायली की दाख की बारी अहाब के राजमंदिर के पास थी। अहाब ने नाबोत से उसके दाख की बारी मांगी और उसके बदले में वह उसकी दूसरी दाख की बारी या ज्यादा रुपया देने की बात कही, परंतु इजराइल नाबोत ने अहाब को अपने पुरखों का निज भाग देने से इनकार कर दिया। इस कारण वह उदास होकर बिछौनों पर लेट गया और कुछ भोजन न किया। उसकी पत्नी इजिजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन उदास क्यों है? अहाब ने नाबोत से जो बात हुई थी वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यह लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना, तब दो निज जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की,
तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पत्थरवार करना कि वह मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने उच्च स्थान पर बैठाया। तब दो नीचे जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्ष्य दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर उस पर पत्थरवाह किया और वह मर गया। यह सुनते ही कि नाबोत पत्थरवाह करके मार डाला गया है, इजेबेल ने आहाब से कहा, उठकर इजराइल नाबोत के दाग की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। इजराइल नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसके दाग की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहो का यह वचन तिशवी एलिया के पास पहुंचा, इजराइल के राजा आहाब से मिलने जा, वह नाबोत की दाग की बारी अपने अधिकार में लेने को वहां गया है और उसे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अब अधिकारी में बन बैठा? जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। आपका जो कोई नगर में मार मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच यह आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करके जो यह के दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। इजराइल का राजा आहाब और यहूदा का राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। उस युद्ध में आहाब घायल हो गया और सांच को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोमरोन के पोखरों में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्या भी वहां पे नहाया करती थी। यह परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए सेनापति यहू को चुना। परमेश्वर की ओर से वचन पाकर एलिशा भविष्यद्वक्ता ने चेलों में से एक को बुलाकर इज़राइल का राजा होने के लिए और उसका अभिषेक करने के लिए सेनापति यहू के पास भेजा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक ने यहू के पास जाकर यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं, तू अपने स्वामी आहाब के घराने को मार डालना, जिसे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के जो इजेबेल ने बहाया बदला मिले। और इजेबेल को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। यहू आहाब का पुत्र योराम से मिलने इज़राइल गया, जहां पर वह अपने घाव का इलाज कर रहा था। यह घाव उसको आराम के राजा हजाएल से युद्ध करते समय अरामियों से लगे थे। यहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे यहू, क्या कुशल है? यहू ने उत्तर दिया, जब तेरी माता इजेबेल छिनालापन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहा। तब योराम यह कहकर भागा, हे अहजाह, विश्वासघाते भाग चल। तब यहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब यहू ने बिदकर नामक सरदार से कहा, उसे उठाकर इजरायली नाबोत की भूमि में फेंक दे। यहा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून बहा, मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। जब यहू इजराइल को आया तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगाकर अपना सिर सवार कर खिड़की में झांकने लगी। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब इजेबेल ने कहा, हे अपने स्वामी की घात करने वाली जिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरे और कौन है, कौन? इस पर दो तीन खोजों ने उसकी ओर झांका। तब यहू ने कहा, उसे नीचे गिरा दो।
अतः उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके लहू के छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और घोड़ों ने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब यहू भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस शापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वह उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का शव इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहां तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। यह परमेश्वर ने यहू द्वारा अहाब के अन्य कुटुंबियों का वध किया जिस तरह एलिया से कहा था। अहाब के जितने शोमरोन में बचे रहे उन सबों को मार के विनाश किया। यहू ने बाल के सब उपासकों को और बाल के भवन को नष्ट किया। बाल की लाट को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को तहस नहस करके उसे शौचालय बना दिया और वह आज तक ऐसा ही है। यहोवा ने यहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गति पर विराजती रहेगी। अभी हम ये देखेंगे परमेश्वर इन वचनों से हमें क्या सिखाना चाहते, क्या हमें बताना चाहते हैं। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर अपनी उंगली से लिखी हुई साक्ष्य देने वाली पत्थर की दो तख्तियां दी थी जिसमें 10 आज्ञा लिखी थी। सबसे पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर न बनाना, न दंडवत करना, न उपासना करना। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर इजराइली लोग अपने लिए सोने चांदी की मूर्ति बनाकर उनको पूजते थे, उपासना करते थे। आज भी भारत देश में मूर्ति पूजा ज्यादा मात्रा में की जाती है। इजेबेल एक मूर्ति पूजा को दुष्ट रानी थी। उसने अपने पति आहाब, अपने बच्चों तथा अपनी प्रजा के लोगों को मूर्ति पूजा के पाप में मजबूत किया। बाल देवता के नबी उसकी मेज पर खाना खाते थे। इतना ही नहीं, इजेबेल यहोवा परमेश्वर के नबियों को घात करती थी, यहोवा से घृणा रखती थी। मूर्ति पूजा करना ये परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार है। मनुष्य ने जैसे चाहिए वैसे मूर्तियां बनाकर अपने लिए ईश्वर बना लिए। यशा 40वां अध्याय 19 और 20 वचन, मूरत कारीगर ढालता है, सोना उसको सोने से मढ़ता और उस के लिए चांदी की साकले ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढ कर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वह हिल न सके। पेड़ पौधे, आकाशगण, जानवर, मनुष्य की मूर्तियां बनाकर लोग उनकी उपासना करते हैं। इन सब का बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा को छोड़कर उसके बनाए हुए चीजों को पूजने लग गए। मूर्ति पूजा से श्राप, बीमारी, गरीबी, लाचारी, विपत्तियां आती है। यीशु मसीह शांति के राजकुमार, उनके निकट आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं। मूर्तियों में आनंद, प्रेम, शांति नहीं होती है और जो उनको पूजते हैं उनके अंदर भी ये सब नहीं आता है। पहला कुरंथियो 10वां अध्याय 20वां वचन, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। मूर्तियां बनाकर जब लोग उनकी उपासना करने लग जाते हैं तब दुष्ट आत्मा जो शैतान की आत्मा है मूर्तियों में समा जाती है। मूर्तियों की उपासना करने से दुष्ट आत्माएं घरों में वास करती है, लोगों के परिवार, जीवन तथा शरीर को नाश कर देती है, बीमारियां लेके आती है, उनको कर्जे में डालती है। भजन संहिता 106 उसका 36 और 37 वचन, और उनकी मूर्तियों
की पूजा करने लगे और वह उनके लिए फंदा बन गई और उन्होंने अपने बेटी बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। मूर्तियों के अंदर की दुष्ट शक्तियों ने पिशाचों का रूप धारण किया। देवी देवता बने हुए पिशाचों को प्रसन्न करने के लिए उनके उपासकों ने अपने निर्दोष बेटे बेटियों को उनको बलिदान चढ़ाकर उनका निर्दोष लहू बहाया। इस कारण जादू टोना ज्यादा मात्रा में किया जाता है और जादू टोना में शैतान की शक्ति होती है, क्योंकि जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब शैतान की ओर से है। बहुत से झूठे बाबा लोग जो पिशाचों को पूजते हैं और लोगों को गुमराह भी करते हैं, उनके परिवारों को नाश कर देते हैं। मूर्ति पूजा के साथ साथ अन्य बुराइयां भी बढ़ती हैं, जैसे हत्याएं, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, अन्य गिनोने अपराध जो संसार में होते हैं। इस कारण परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर भड़कता है और महामारी, अकाल, बाढ़, शत्रुता पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से आती है, ताकि लोग परमेश्वर के पराक्रम को देख सके और जाने ये वही परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है। इजेबेल एक दुष्ट रानी थी जिसने परमेश्वर के अभिषिक्त को घात किया। एलिशा भविष्यद्वक्ता को घात करने के लिए एक दूत भेजा। इजरायली नाबोत को धोखे से मार दिया। इजेबेल जो मूर्ति पूजक रानी थी उसको दूसरों की हत्या करना कोई मुश्किल काम नहीं था। आज भी संसार में ऐसे ही हत्यारे हैं जो घरों के अंदर अपने लोगों की हत्या करते हैं, लूटपाट करते, हत्या करते हैं, अवैध संबंध बनाते, हत्या करते हैं। हत्या करना इनके लिए मामूली है क्योंकि मूर्तियों में प्रेम शांति नहीं है, कठोरता है, वो भी वैसे कठोर बन चुके हैं। अहाब इजरायली था परंतु अपने पत्नी के देवता बाल का शोमरोन में भी भवन बनाया। इजेबेल के उकसाने पर नाबोत को घात किया। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही काम किया। सुलेमान के 700 रानियां और 300 रखियां थी। इन स्त्रियों ने उसका मन पराए देवता की ओर बहका दिया। सुलेमान अष्टोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का, उसका राज्य छीनकर 10 गोत्रों के हाथ में कर दिया परमेश्वर ने। सुलेमान एक बहुत बुद्धिमान राजा था और रानियों के चक्कर में पड़कर वो पराए देवता में के पीछे चला और उसका यही हशर हो गया। परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया है। यहोवा अदन की वाटिका में आदम हवा से मिलने आते थे, सिर्फ मिलने ही नहीं, उनके बारे में जानने के लिए, वह कैसे है, कैसे रहते हैं। प्रथम स्थान परमेश्वर की ही देना चाहिए। परिवार के हर फैसले परमेश्वर से प्रार्थना करके ही करें। पति और पत्नी भी कभी कई बार गलत फैसला दे सकते हैं क्योंकि वह इंसान है, इसलिए हमेशा प्रार्थना करके प्रभु से पूछे क्या सही है क्या गलत है। पत्नी और एक दूसरे से मशवरा कर सकते हैं परंतु फैसले प्रभु से पूछकर दोनों साथ मिलकर प्रार्थना करके ही लेना चाहिए। जिस तरह इजेबेल परमेश्वर के भक्तों को घात करती थी, आज भी अन्य जाति लोग, मसीही विरोधी लोग परमेश्वर के भक्तों को मार डालते हैं। किसी को जला दिया जाता है, किसी को बंदूक की गोली से मार डाला जाता है, किसी को तड़पा तड़पा कर मार डाला जाता है, किसी के चर्च को तोड़ दिया जाता है, किसी की पिटाई की जाती है, किसी को सताया जाता है, क्योंकि ये लोग दुष्ट आत्माओं से भरे हैं, या फिर उनकी आंखों को शैतान ने ऐसा बंद कर रखा कि परमेश्वर की सच्चाई को जान ना सके, या वे मसीह विरोधी लोगों से ऐसे उकसाए हैं जो सच्चाई को जानकर भी सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं हम जिसको पूज रहे, जिसके राह पर चल रहे, वही सब सत्य है। परंतु परमेश्वर बदला देने वाला ईश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। वचन में लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ,
उनकी हानि मत करो। भजन संहिता 116 अध्याय 15 वचन, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है, परमेश्वर की जन उसकी आग की पुतली समान है। इजरायली नौबत को परमेश्वर ने बदला दिया। अहाब के पूरे परिवार को इजेबेल के शव को कुत्तों ने खाया। इतनी दर्दनाक मौत एक रानी को मिली जो परमेश्वर के भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। परमेश्वर उनको बदला देते हैं। निर्गमन 34 अध्याय 7 वचन, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर पिता, हमारे परमेश्वर पिता दयालु करुणामय धर्मी और क्षमा करने वाले ईश्वर है। वह अपने भक्तों की मृत्यु का बदला इस पृथ्वी पर तो देते ही है, साथ में न्याय के दिन भी दंड देंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 18 वचन, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। न्याय के दिन परमेश्वर अपने भक्तों को जिन जातियों ने उन पर क्रोध किया, जिन्होंने उनको उनकी हत्याएं की, जिन्होंने सताया, जिनको जला दिया, उन सबको प्रभु बदला देंगे। न्याय करना प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर ने मसीह को अपना बुरा करने वाले शत्रु को माफ करने को कहा है। बदला देना परमेश्वर का काम है। जिस तरह यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया उनको यीशु मसीह ने माफ कर दिया, उसी तरह हमें माफ करना है, परंतु बदला प्रभु देंगे। परमेश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता है, उसकी आग की पुतली समान है। न्याय के दिन इन सबको बदला देंगे और पृथ्वी पर भी प्रभु उनको बदला देते हैं। मत्ती 28 अध्याय 19 वचन, इसलिए तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर इन वचन से आशीषित करे। धन्यवाद।